नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। खबर गाजा से है और बहुत दुखद है। गाजा में मदद का इंतजार कर रहे सैकड़ों लोगों को इजरायली सेना ने मार डाला और तकरीबन 760 लोग घायल हो गए। ये लोग जब खाने पीने का सामान और दवाइयां लेने के लिए राहत सामग्री की गाड़ियों की चारों तरफ थे, तब इजरायली सेना ने इन पर गोलियां चला दी। कुछ लोग गोलियों का शिकार हुए तो कुछ गाड़ियों के नीचे कुचलकर मर गए। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका और कतर से लेकर फ्रांस तक सभी ने इजरायली सेना की इस क्रूरता की निंदा की है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वाली और घायलों का आंकड़ा जारी करते हुए इसे खुला कत्लेआम बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस घटना पर चर्चा करने के लिए बंद कमरे में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। वहीं फ्रांस ने कहा कि भोजन पाने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलीबारी सरासर गलत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और कतर के अमीर हम्माद अल थानी ने भी इस घटना पर चिंता जताई। दरअसल गाजा के नबलोसी चौराहे पर भोजन के लिए बेचैन हजारों लोग राहत सामग्री के ट्रकों को देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। इजरायली हवाई फुटेज में दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने राहत सामग्री के ट्रकों को घेर रखा है। ये ट्रक चलते चलते इजरायली सेना के टैंकों के करीब पहुंच गए, तभी इजरायली सेना ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोग इजरायली सेना की गोलीबारी में मारे गए तो कुछ गाड़ियों के आगे चलने की वजह से कुचलकर मर गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 112 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 750 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायल लोगों को अलशिफा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा रहा है, जहां पहले से ही ईंधन और दवाइयों की किल्लत है। घटना के बाद हमास ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस हमले के बाद संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए होने वाले समझौते की बातचीत नाकाम हो सकती है। हमास ने मौतों का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर ये वार्ता नाकाम होती है तो इसके लिए पूरा जिम्मेदार इसराइल होगा। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।